आज मैं अभी आ गई हूँ जमशेदपुर की, ये है बिष्टुपुर मार्केट। तो बिष्टुपुर मार्केट में मैं आई थी, मेरा थोड़ा सा मोबाइल में जो स्पीकर का प्रॉब्लम हो रहा था वो दिखाने, वो सब मैंने काम कर लिया है। अभी जहाँ मैं बैठी हूँ ना, ये नया एकदम बना है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा था, पता नहीं ये लॉकडाउन के बीच में बना क्या नहीं मालूम। ये जो मैं एरिया अभी दिखा रही हूँ ना, ये बिल्कुल कार पार्किंग एरिया था, कार स्कूटी बाइक यहाँ लाइन लगा के खड़ा रहता था और बहुत मतलब रफ लगता था देखने में। अभी देखिए यहाँ पे कितना अच्छा सा, यही एक साल तक मैं बिष्टुपुर नहीं आई थी, मतलब मार्च टू मार्च हो रहा है, तो यहाँ पे इसी के बीच में ही इतना सारा बन गया। और साइड में जो खजूर का पेड़ वगैरह दिख रहा है ना, ये सब लंबा लंबा, ये सब भी नहीं था बिल्कुल, मतलब इतना बड़ा बड़ा ये लगा भी दिया गया। और इस तरह से सीमेंटेड पूरा बना कर दिए हैं, इसमें टाइल्स वगैरह लगा दिए, बैठने का भी हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। पता है यहाँ पे मतलब इंसान चल नहीं सकते थे, इतना ज़्यादा यहाँ स्कूटी बाइक पूरा पार्क कर देते थे। और यहाँ साइड में लेफ्ट साइड में ना बैंक वगैरह ये सब है, और ये सब बैठने का सिटिंग एरिया भी कर दिए हैं, छोटा बच्चा के खेलने के लिए वो पार्क टाइप का बना दिए हैं, बहुत सारा कार वगैरह बच्चे के लिए रखा हुआ है। देखी थी मैं, वो पीछे रह गया, उसका शूटिंग मैंने नहीं किया। बहुत अच्छे से बना दिया इस एरिया को, यहाँ पे बहुत लोग बहुत फोटो सेशन वगैरह बहुत कुछ कर रहे हैं। ये पीछे का साइड में बैंक वगैरह ये सब है, और कितना अच्छा लग रहा है इस एरिया में आके, एकदम न्यू लग रहा है। पहले एक साल पहले ये सारे चीज़ें बिल्कुल भी नहीं था, ये देखिए ये सब कोई स्कूटी वगैरह ना घुसा पाए, क्योंकि ये तो पार्किंग एरिया था ना, तो इस तरह से सारा ग्रिल टाइप का लगा दिए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ये एरिया, अब लग रहा है जो ये पॉश एरिया, इसको पॉश एरिया बोला जाता था लेकिन ये पॉश एरिया जैसे लगता नहीं था, तो आप थोड़ा सा लग रहा है। और मैं आज आई हूँ रिलायंस ट्रेन में शॉपिंग करने, तो मैं जा रही हूँ अभी रिलायंस ट्रेन, तो ये रास्ता का है और थोड़ा सा पैदल ही है। मैं यहाँ पे एक अमर मार्केट बोल के एक मार्केट है, जहाँ पे मोबाइल का हर चीज़ वहाँ पे सारा चीज़ों का सॉल्यूशन है, एक लेन है उसमें हर चीज़ मिल जाता है, मतलब मोबाइल से लेके ब्रीथिंग वहाँ मिल जाता है। तो वहीं पे मैंने मोबाइल का थोड़ा सा दिखाया था, मोबाइल मेरा ठीक हो गया है और मैं अभी जा रही हूँ शॉपिंग करने ट्रेन। मेरे हस्बैंड अभी है नहीं, मैं आई हूँ 2:30 बजे करीब मैं निकली थी घर से, तो मैं थोड़ा शॉपिंग जब करती हूँ ना, अकेले शॉपिंग करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा देख दाख के शॉपिंग करती हूँ। और मेरे हस्बैंड ना मतलब बहुत ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहते हैं शॉपिंग में, वो बहुत जल्दी बोलते चलो चलो एक कपड़ा कुछ भी देख लो, उठा लो और चलो चलते बनो, इस टाइप का उनका ये नेचर है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं थोड़ा देख परख के फिर लेती हूँ। और ये देखिए दोनों महाराज को खड़े हैं रास्ते के बीच में, इसकी वजह से सारे गाड़ी ना स्लो करके जा रहा है। देखिए ये एक यहाँ पे है और एक ब्लैक कलर का वो आगे भी है। हाँ, तो इसका मैं जब फोटो ले रही थी ना, तो लोग हमी को देख रहे हैं थे। अब मैं आ गई हूँ रिलायंस ट्रेन के सामने, ये है रिलायंस ट्रेन, तो इसके अंदर मैं घुसूंगी। लेकिन दुख की बात ये है, मैं सोच रही थी अंदर घुस के सारा कलेक्शन दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पे बोल रहे थे वीडियो अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं कर पाई। तो मैंने खूब सारा शॉपिंग की, ऑफर था तो 3500 रुपये का शॉपिंग, नहीं हाँ 6000 का शॉपिंग करने से सिर्फ 3500 रुपये आपको पेमेंट करना है। तो मैंने 3 सूट लिया था, उसमें तो 3300 समथिंग हुआ था, तो उन लोग बोले जो अगर आप थोड़ा सा और शॉपिंग करेंगे, 6000 का शॉपिंग आपका, 3500 में 6000 का शॉपिंग आप कर सकते हैं। तो आप सोचिए, तो मैंने सोचा तो 3500 तो मेरे पास था ही, तो मैंने क्या किया 6000 का पूरा शॉपिंग कर लिया और मुझे देना पड़ा सिर्फ 3500 रुपये। अभी मैं घर में सांस वगैरह दिखा के एकदम अच्छे से फ्रेश हो गई हूँ, एकदम मुंह हाथ धो के और हैंड वगैरह बहुत अच्छे से वॉश कर ली हूँ। और अभी मैं डिनर का तैयारी कर रही हूँ, थोड़ा सा डिनर मैं बना लेती हूँ और फिर मैं ना इवनिंग वॉक करती हूँ 1 घंटा, तो 1 घंटे इवनिंग वॉक करती हूँ, इसलिए मैं अभी सोच रही हूँ अभी बना लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी मैं वॉक करने। तो मैं क्या क्या खरीदारी की हूँ आज मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अभी रात हो गया ना, तो रात होने से मेरे घर में लाइट का इतना अच्छा वो नहीं है, तो लाइट मतलब ठीक नहीं है बोल के मैं अभी नहीं लूंगी, अभी नहीं करूंगी, कल वाला ब्लॉग पे मतलब अभी जो नेक्स्ट वाला जो ब्लॉग बनाऊंगी उसमें जरूर रहेगा, तो इसलिए मैं अभी नहीं बना रही हूँ। तो मैं अभी बना रही हूँ पत्ता गोभी का भरता। पत्ता गोभी का भरता ना, जैसे अभी तो सीजन खत्म हो रहा है, पत्ता गोभी किसी को खाने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पत्ता गोभी का भरता बना के अगर आप खाएंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं कैसे बनाती हूँ आप देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट मिलता है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो मैं
पत्ता गोभी को ना इस तरह से एकदम पतला पतला बारीक करके काट ली हूँ, जैसे एकदम बारीक करके काटते हैं ऐसे करके काट ली हूँ। और मैं कढ़ाई को रख दी हूँ और इसको कैसे काटती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसको मस्टर्ड ऑयल से ही बनाएंगे। कढ़ाई मेरा बहुत गर्म हो गया है, इसमें डालना है नमक और मैं डालूंगी हल्दी। नमक और हल्दी डाल के इसको अच्छा से फ्राई कर लेना है, मतलब इतना अच्छे से फ्राई करेंगे ना तो ये क्या है जितना है ना इसका क्वांटिटी इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्राई मेरा हो गया है, इस साइड में मैं रखती हूँ। और इधर मैं इसको लाल मिर्च और हरी मिर्च और लहसुन को तेल में पका रही हूँ। अच्छे से इसको पका लूंगी और एक बर्तन में ले लूंगी। ये अच्छे से पक चुका है, सॉफ्ट हो गया है लहसुन। और इसमें मैंने रखी हूँ ली हूँ धनिया पत्ता और एक मीडियम साइज का अनियन को मैंने काट लिया है। इस भरता में ना कच्चा अनियन अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको इसमें कच्चा अनियन डालूंगी। और इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, कच्चा मस्टर्ड ऑयल इसमें डालना है। कच्चा मस्टर्ड ऑयल डालने से ना कोई भी भरता में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और सारे चीज़ों को जैसे लाल मिर्च हरी मिर्च और ये लहसुन और धनिया पत्ता अनियन इस सारे को एक साथ बहुत अच्छे से पहले से मसल लेंगे। मैं भरता ना हमेशा हाथ से दे बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं बोलती हूँ ना मैं बहुत प्यार से बनाती हूँ। अगर हाथ का स्पर्श लगता है ना किसी भी खाने में तो हाथ का स्पर्श से ना वो खाना बहुत टेस्टी हो जाता है। बहुत लोग स्पून वगैरह यूज़ करके करते हैं तो मुझे लगता है जो स्पून वगैरह दे के बनाने से ना उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है। एक हाथ का जो स्पर्श है ना उससे खाना बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन बहुत लोग हैं जिसका हाथ जलता है, इवन मेरा भी हाथ जलता है। मैं इसके बाद बर्तन क्लीन करूंगी तो थोड़ा सा कम होगा, उसके बाद कोकोनट ऑयल वगैरह ये सब लगाऊंगी, लेकिन मैं फिर भी हाथ मेरा जलता है, कष्ट होता है मेरे को, लेकिन फिर भी मैं जब भरता बनाती हूँ ना हाथ जरूर यूज़ करती हूँ। बस इसमें पत्ता गोभी अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा गर्म था बोल के मैं अच्छे से इसको मसल नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा अच्छे से हाथों से ना अच्छे से मसल देना है। तो थोड़ा सा जैसे ये पूरा भरता जैसे एकदम स्मूथ नहीं होगा बट थोड़ा सा नरम नरम हो जाएगा। तो इसमें धनिया पत्ता और कच्चा प्याज देना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, तभी ये टेस्टी बनता है। कभी इस तरह से भरता बना के खा के हमें कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, ये बहुत अच्छा लगता है। आज नेक्स्ट डे है, मैं कल जो ब्लॉग रात में शूट किया था ना उसके मैं कल काफ़ी थकान जैसे लग रहा था, तो मैं ना पूरा ब्लॉग मतलब ख़त्म नहीं की। मैं थोड़ा सा टहलने गई थी नीचे, मैं वॉक करने जाती हूँ, वॉक करके आई ना, आने के बाद ना मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रहा था मैं ब्लॉग करूँ, एकदम नहीं मन कर रहा था। तो मैंने जो पत्ता गोभी का जो भरता बनाई थी उसका कोई फोटो वगैरह कुछ नहीं लिया, मुझे मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया। आज है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे मैं आज उठ के ना मैंने सारा मॉर्निंग का मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने के बाद मैं आमतौर पे एडिटिंग करती हूँ बैठ के, बट आज मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने आज सारा घर का साफ सफाई मतलब झाड़ू पोछा बर्तन धोना किचन क्लीन करना कपड़ा धोना नहाना पूजा करना ये सारा कंप्लीट कर लिया है। ब्रेकफास्ट भी मेरा हो गया, अभी मैं जस्ट शावर लेके आ रही हूँ, देख रहा है ना मेरा गीला बाल। अच्छा बहुत लोग मेरे को बोले थे जो आपका बाल का थोड़ा सा ध्यान रखे, आपका बाल बहुत रफ हो रहा है, तो ये बात तो है जैसे एकदम बाल को बहुत ज्यादा केयर करना मतलब इतना तो मैं नहीं कर पाती हूँ, इसलिए नहीं कर पाती हूँ। मैं बाल का केयर करना चाहती हूँ लेकिन होता है ना ऑल टाइम अगर बाल और स्किन ये सब लेके अगर हम बिजी रहेंगे तो लाइफ में ना और कोई काम नहीं हो पाता है। कभी अगर आप ऐसे करते तो आप देखिएगा जरूर, अगर आप स्किन और बाल लेके से व्यस्त रहेंगे ना तो बाकी आधा जो एडिशनल काम होता है ना, जैसे मैं ये जो जैसे YouTube का मैं काम करती हूँ, एक कुकिंग चैनल है मेरा, एक ब्लॉग करती हूँ, तो ये एक काम होता है ना। तो और पता है YouTube करना मतलब YouTube का चैनल चलाना बहुत मतलब मुश्किल बात है, कोई मामूली बात नहीं है। और इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बहुत सारा प्यार देना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है,
जैसे आप कोई वीडियो शूट कर रहे हैं ना, तो उसको बहुत प्यार से बनाना पड़ता है, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत सोच के। और देखिए, मैं तो कोई प्रोफेशनल वीडियोग्राफर हूँ नहीं, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं पीएचडी कर चुकी हूँ। और मैं तो आप समझ रहे हैं ना, पीएचडी करने से अब मेरा फील्ड क्या था, मैं बायो फील्ड से हूँ, मेरा एक्वाटिक टॉक्सिकोलॉजी मेरा फील्ड था, मैं उस फील्ड से मैं अभी वीडियो करती हूँ। वीडियो बनाना मतलब शूट करना, वीडियो किसी चीज को कंसंट्रेट होकर काम करना ना, मुझे बहुत पसंद है। जैसे मुझे कुकिंग क्यों मैं करती हूँ, कुकिंग चैनल मैं क्यों चलाती हूँ, पता है मेरा कुकिंग चैनल अच्छे से चल नहीं रहा है, मतलब बहुत अच्छे से चल रहा है ऐसा नहीं है, थोड़ा सा चल रहा है, मतलब जस्ट थोड़ा सा। चैनल मेरा मोनिटाइज्ड है, लेकिन पता नहीं क्यों, शायद कुकिंग का, मैं ना कुकिंग बहुत अच्छे से करती हूँ, मतलब आप लगेगा जो मैं ऐसे फेंक रही हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा कुकिंग मेरे इन लॉज खाते हैं, मेरा बाकी बाकी लोग खाते हैं, इन लॉज अगर तारीफ करते हैं आपका कुकिंग का, तो आप समझ सकते हैं जी आप कुकिंग अच्छा से करते हैं। कुकिंग मैं अच्छा से इसलिए करती हूँ, मैं बहुत दिल से करती हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ जो मैं बहुत बड़ा सेफ की तरह करती हूँ, बट दिल से अगर कोई काम करो ना, बट आलू का चोखा क्यों ना हो, वो भी बहुत अच्छा होता है। देखिएगा, सबका आलू हाथ में आलू का चोखा बनाना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी बना सकते हैं, लेकिन आप खुद गर्व कीजिएगा आलू का चोखा का, जो तीन चार वैरायटी बना के, तीन चार लोगों के हाथों से बना के खा के देखिए, आपका हाथ हाथों का ना टेस्ट फर्क पड़ेगा। बट यही मैं बोलना चाह रही हूँ, जो मेरे हाथ में ना मतलब बहुत अच्छे से बनता है। पूछिए क्यों? क्योंकि अगर आप किसी चीज को बना रहे हैं, उसमें खूब सारा प्यार डालेंगे और खूब अच्छा से दिल से प्यार से बनाएंगे ना, वो बहुत अच्छा होता है। और मैं क्या करती हूँ, कुकिंग को ना, कुकिंग करना मुझे बहुत पसंद है। कुकिंग मैं सोचती हूँ, कुकिंग ना, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो कुकिंग मुझे लगता है ना वन टाइप ऑफ रिसर्च है। आप कुकिंग में ना खुद अपने एक्सपेरिमेंट करके बहुत कुछ कर सकते हैं, तो मुझे ना मेरा रिसर्च जैसे लगता है। फिलहाल मैं रिसर्च अभी नहीं कर रही हूँ, तो मैं अभी कुछ मेरे हेल्थ इशू की वजह से मैं अभी घर में रहती हूँ, तो मुझे कुकिंग के अंदर ना मेरा ऐसा लगता है मेरा रिसर्च हो गया। जब एक डिश मैं बनाती हूँ ना, मुझे लगता है मैंने एक पेपर के लिए, एक मेरा जो पेपर बनाते हैं ना रिसर्च करने से ना पेपर बनता है, तो मुझे लगता है मेरा एक पेपर बन गया है एक डिश जब बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे बोलते हैं ना दही, हाँ दही का साथ घोल में मिटाना, मतलब बंगाली बोलते हैं दही के साथ घोल में मिटाना, इट मीन्स जैसे दही का टेस्ट घोल, मतलब जो मट्ठा होता है ना, मट्ठा से लेना, ऐसा कुछ इसका मीनिंग होता है। तो मैं ऐसे सोच के मैं कुकिंग करती हूँ, और मेरा कुकिंग चला ना अच्छे से चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। मैं बहुत, मतलब ये है जो बहुत लोग होता है ना, बहुत सिनेमेटिक शॉर्ट्स लेते हैं और बहुत सिनेमेटिक ऐसे देख रहे हैं, जैसे पानी दे रहे हैं तो पानी का नीचे का शूट कर रहे हैं। मैं अकेले शूटिंग करती हूँ, मेरे हस्बैंड ऑफिस में रहते हैं, मैं अकेले रहती हूँ, तो इस तरह से शूटिंग मेरा हो नहीं पाता है। बट हाँ, मैं इतना क्लियर करती हूँ, जो मेरा कोई वीडियो देखेंगे तो जरूर एक वन चांस में बहुत अच्छा डिश बना सकते हैं, इतना गारंटी मैं दे सकती हूँ। हाँ, कुछ सिनेमेटिक शॉर्ट्स नहीं होता है, ये सब नहीं होता है, तो पता नहीं फिर भी नहीं चल रहा है, जो भी है नहीं वही हो सकता है, किस्मत ही खराब है। लगता है बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो गया, मैं यहीं पे ब्लॉग को खत्म करती हूँ। मैं छोटा छोटा ऐसे एक्सपीरियंस मेरा शेयर करूंगी कोई कोई ब्लॉग में, जो कैसा मतलब मेरा चल रहा है, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, लगता है बहुत लंबा हो गया।